मेरा नाम है अमरजोत सिंह और मैं बोल रहा हूँ एडमिंटन कनाडा से, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं राम गोपाल कुनावत। सही बोल रहा हूँ मैं? कुमावत। कुमाव, बताएं राम गोपाल नाम है ना आपका? जी। बताएं राम गोपाल जी, आपका कराएं, इंट्रोडक्शन कराएं। कहाँ से हैं आप? इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया में राजस्थान जयपुर से। दुबई में काम कर रहे हैं अभी? हाँ, अभी दुबई में काम कर रहा हूँ 12 साल से। क्या जॉब करते हैं, क्या रोजगार है आपका? मेसन का काम कर रहा हूँ जी, अर्जान रोटाना। मेसन क्या होते हैं? वो जो पत्थर लगाते हैं वो सब, वो होता है मेसन? हाँ, जो ईट, ब्लॉक, टाइल, मार्बल का ये काम करता हूँ। सही बात है। कहाँ से सीखा काम आपने ये काम? टाइल मार्बल का काम तो मैं जयपुर ही सीखा था, फिर दुबई में आके मैं प्लास्टर और ईट, इधर ताबुक बोलते हैं, ईट नहीं आता, ताबुक आता है बड़ा। अच्छा। ईट तो अपना उधर छोटा आता है, इधर ताबुक आता है। ये 20 सेंटी तो हाइट में आता है, 40 सेंटी लंबा आता है। अच्छा 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 अच्छा, और ठीक है, चौड़ाई में 15 सेंटी 20 सेंटी ऐसा। बताएं मेरे लिए, क्या आपका सवाल क्या है? हुकुम करें मेरे को, क्या बताएं? हुक्म तो जी यही पूछना था कि मैं कनाडा आने के लिए 4-5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छा कंसल्टेंट मिला नहीं। एक कंसल्टेंट से बात हुआ था, मेरी बात मतलब क्या, एग्रीमेंट पूरा हो गया था, पैसा भी दे दिया था उसको, इधर 12,000 दिरहम दे दिया था मैं। क्या? तो 1 साल तक वो ऐसे बोलता रहा जी, होएगा आपका इंटरव्यू कराता हूँ मैं। पहले तो 6 महीने का तो ऐसे टाइम दिया, 6 से 8 महीना लगेगा। तो 5-6 महीने तक तो मैं उसको बोला नहीं कुछ, फिर कुछ 5-6 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैं उससे पूछा, भाई क्या प्रोसेसिंग चल रहा है मेरा, क्या है? बोला भी आपका इंटरव्यू होने वाला है, आप रेडी हो जाओ, आप जब चाहोगे उस टाइम में मैं इंटरव्यू करा दूंगा। मैं बोला मैं तो रेडी हूँ, कभी भी करा दो मेरा इंटरव्यू। yeah. तो फिर वो बोला मैं उधर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ, फिर आपका इंटरव्यू कराता हूँ। तो फिर अपॉइंटमेंट शाम को 7 बजे का लिया, इधर दुबई में 7 बजे का, वही उधर दिन हो जाएगा। तो इंटरव्यू में किया, लेकिन ऐसा लगा नहीं मेरे को कि ये इंटरव्यू रियल इंटरव्यू हो रहा है। पहली बात तो लग रहा है कि आपकी पूरा फोन हिल रहा है, ऐसा तो ठीक है, पहली बात तो वो ऐसा हो जाए। दूसरी बात, जितना भी आपने मेरे को बताया है ना कि ये सो इंटरव्यू करा रहे हैं, हो रहा है, इसमें 99.9% चांसेस है कि ये फ्रॉड हो रहा हो आपके साथ, क्योंकि इंटरव्यू कराने वाले भी हो सकता है उनके कोई दोस्त मित्र हों, कोई जो अपने आप को कैनेडियन बता के या कंपनी में बता के कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं वगैरह करके आपको कोई जॉब का झांसा दे रहे हो। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ, वो आपकी जिंदगी में काम आएंगी, फायदा करेंगी, फ्रॉड से बच सकेंगे। ठीक है जी। जो भी कंसल्टेंट से आप बात कर रहे हैं उनसे पहले पूछें कि भाई साहब आपने मेरी कैटेगरी में एज अ मेसन में और मेरे ऑक्यूपेशन में आपने कितने बंदे अभी भेजे हैं कनाडा में पिछले 6 महीने में या लेट्स से 1 साल में? पहला सवाल। ठीक है जी। दूसरा सवाल, अगर आपकी किस्मत अच्छी है और वो भी सही है तो हो सकता है कि आपको एक आध कोई रेफरेंस मिल जाए कि हाँ भी मैंने फलाने इंसान को भेजा है वहां पर कनाडा में, तो आप उनसे कहना कि कृपा करके मेरे को इसका फोन नंबर दें। तो आप, अगर आपको फोन नंबर मिलता है किसी भी उनके क्लाइंट का, तो फोन नंबर से उनसे डायरेक्टली बात करें और उनसे पूछें कि वाकई आप गए हैं इनके थ्रू और क्या काम कर रहे हैं, कितने पैसे लगे वगैरह वगैरह। ठीक है, 2 बातें हो गई। आपकी बात कट रही है भाई साहब, आवाज आ रही है आपको? करेगी, लगता है कि फ्रीज हो गई, पर एनीवे मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। तीसरी बात जो आपको पूछनी है उनसे वो है कि आपके पास लाइसेंस कौन सा है, आपके पास कनाडा का कोई लाइसेंस है? अगर कनाडा का कोई लाइसेंस है, लाइसेंस की एक कॉपी दिखा दें, या अगर आप काम किसी और से कराते हैं, आप किसी किसी लॉयर से, आईसीसीआरसी कंसल्टेंट या नोटरी से या किसी क्यूबेक नोटरी कराते हैं, किससे भी कराते हैं, उनका मेरे को पता दें, मैं उनसे डायरेक्टली बात करूंगा। ये तो हो गई तीन बातें। चौथी बात ये है कि जो पैसे की क्या डीलिंग है, पैसे की आपको मेरे को रसीद देंगे, पैसा किसके नाम पे जाएगा, आप चेक ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं या कनाडा के लॉयर को दे रहे हैं, उसका मेरे को डिटेल दें और तब जाके बात हो पता लगेगी सही है। मेरे ख्याल राम गोपाल